लास वेगास के बारे में सोचने से हम लोग के दिमाग में दो चीज बहुत ज्यादा घूमता है, एक है वहां के क्लब्स और पब्स और दूसरा है नाइट लाइफ। तो चलो आज हम लोग थोड़ा नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं। लास वेगास ट्रिप की ये बड़ी बड़ी इमारतें सुबह और रात के टाइम पे बहुत अलग लगती है। ये देखिए, लेफ्ट हैंड तरफ सुबह का सीन और राइट हैंड तरफ रात का सीन, एक अलग दुनिया बन जाता है रात के टाइम पे। और हाँ, इस व्लॉग में हम लोग थोड़ा बहुत उसका मजा लेंगे। रुको जरा, सबर करो। इस बार हम लोग रुके थे सीजर्स पैलेस। जी हाँ, ये वही सीजर्स पैलेस है जहाँ पे हैंगओवर का शूटिंग हुआ था और न जाने कितने फिल्मों का शूटिंग हुआ है वहाँ पे। और ये सीजर्स पैलेस एकदम स्ट्रिप के अंदर ही है, मतलब स्ट्रिप से एकदम पास में है, तो बहुत कन्वीनियंट है। और यहाँ पे बार बार आपको पार्किंग के इश्यूज़ भी नहीं होगा, एक बार आप गाड़ी वहाँ पे पार्क करके आप पूरा स्ट्रिप घूम सकते हैं। और ये है रूम का नज़ारा, थोड़ा लाइट ऑन करता हूँ। हाँ, ये है रूम का नज़ारा और काफ़ी अच्छा रूम्स हैं, काफ़ी फेमस रिजॉर्ट है वो, वेरी स्टाइलिश फर्नीचर्स, बहुत अच्छे बेड्स और व्यू भी काफ़ी अच्छा था। एकदम स्ट्रिप का व्यू नहीं था बट व्यू वाज रीजनेबली गुड। और ये देखिए, ये थोड़ा व्यू स्ट्रिप का और रात के टाइम का। और बाथरूम भी जैसा नॉर्मल होता है अच्छा था। और खाने के लिए भी वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें था, जैसे ये कॉफ़ी मशीन था। और अभी आपको थोड़ा बाथरूम दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक अलग से यू नो बाथ शावर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है और बीच में वॉश बेसिन है और राइट हैंड साइड में कमोड और वो सब है। तो इट वॉज़ प्रिटी गुड। और वहाँ पे खाने पीने का भी थोड़ा सामान था, ये सब M&M और स्किटीज़ और ये सब। दिस मिनी बार यहाँ पे अगेन, मतलब जैसा हर होटल्स में होता है, आपको अलग से पे करना पड़ेगा अगर आप लोग कुछ भी यूज़ करें। बट मैं जो जनरली करता हूँ, मैं ये सब निकाल देता हूँ और मुझे जो रखना होता है मैं रख देता हूँ और फिर लास्ट में जब निकालना होगा आई अगेन रिप्लेस इट बैक, दैट इज़ व्हाट आई डू। ऐसे यहाँ पे आयरन का बॉक्स है, यहाँ पे एक लॉकर रूम है, अगर आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इट्स प्रिटी गुड, बहुत अच्छा। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड अगर आप लोग सीजर्स पैलेस जाना चाहते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, ये पीछे ये है और मास्क इज मैंडेटरी, तो सबने यहाँ पे मास्क लगा के रखा है, सो मेक श्योर आप लोग भी लगा के रखें।
अभी मैं खा रहा था और जस्ट सोच रहा था कुछ महीनों पहले वरुण के साथ यहाँ पे आया था, सेम जगह पे था हम लोग, यहाँ पे खड़े होकर बहुत सारे पिक्चर्स भी लिए थे और आज पता नहीं वो ओमन घूम रहे और मैं वापस यहाँ पे आ गया। तो ये अभी घर जैसा हो गया ये वेगस, क्योंकि बहुत पास है तो हम लोग साल में दो बार तो आते ही आते हैं, कोई आता है वेगस तो आना ही चाहता है। एनीवेज ये जगह अच्छा है खाने के लिए, ओमिया नाइट क्लब के एकदम बाजू में ही है, फोरम करके ये जगह का नाम है। तो यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ खाना आप लोग तो देखे ही होंगे, और लाइक चाइनीज़, ग्रीक, बारबेक्यू, स्टारबक्स भी है, लॉट ऑफ थिंग्स आते हैं, तो आप लोग आराम से यहाँ पे आके खा सकते हैं। आई थिंक वो 9-10 बजे तक बंद हो जाता है, तो अगर जल्दी आए तो बेटर है। Let's rewind, please. Yeah, we will sin to make us last. Oh yeah, we'll drown, we'll swim too fast. Come on, we can make up, honey, come on, let's break up. Like a firefly, burn till the day we die. Make me feel alive. ये है फोरम शॉप्स एरिया। ऊपर देखिए कैसे ये आर्टिफिशियल ऐसे आसमान जैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कुछ शॉप्स है, कुछ नहीं, बहुत सारे शॉप्स है और ब्रांड्स, यू नो, राइट फ्रॉम टिफिनी टू लुई विटॉन, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। और लोग ऐसे आके यहाँ पे टाइम पास करते हैं, खाने वाने का भी कुछ कुछ है यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स वगैरह। इट्स अ गुड प्लेस टू हैंग आउट। सीजर्स पैलेस के अंदर ही है, तो आज हम लोग सीजर्स पैलेस के बाहर नहीं जा रहे, कहीं पर अंदर ही चक्कर मार रहे हैं। और हाँ, एक बात मैं पहले ही बोल देता हूँ, अगर आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ आते हैं, देन यू आर प्रोबेबली एट सम रिस्क। समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, या देयर आर हेल लॉट ऑफ ब्रांड्स ओवर हियर।
रात के बज गए 3 या सुबह के 3 पता नहीं, व्हाटएवर। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने रूम के तरफ। काफ़ी डांस वांस किया, थक गया, बैठ के थोड़ा पानी वानी पिया और कैसीनो में कर दिया। इट्स ऑल ओवर इन वन शॉट। आगे और नहीं खेलने वाला हूँ। दैट वॉज माई लिमिट। और एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा था कि अगर मैं कैसीनो खेलता भी हूँ ना, तो अगर जीतता भी हूँ तो मैं वो पैसा किसी को दे देता हूँ। आई डोंट टेक इट होम। तो एनीवेज, अगर अब तक आप लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। कीप हेल्दी, स्टे सेफ, लव एवरीवन अराउंड यू। गुड बाय फ्रॉम वेगास।